370। कितना बज रहा है? ये 90 है ना? 90 पे है सर। ठीक है, तो रेडियो का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लिया है। 250 रुपये इसमें और एडिशन होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी मोटर सेफ रहेगी और चीज़ें जो कोई पार्ट जो होता है ना बहुत हाई प्रेशर से निकल जाएगा तो उससे कम हो जाता है, तो इसीलिए बेसिकली हम लोग ये चीज़ इस टाइप का प्रोडक्ट तो ये इसमें लगेगा। ये इनपुट का पाइप लग चुका है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पीआर भी लगा है। ठीक है, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व बोलते हैं इसको, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है जिससे अंदर मशीनरी आपके सेफ रहती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्री फिल्टर बाउल होता है जो ये 5 माइक्रोन तक की जो भी फिजिकल आएगा उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आपका आरओ हो जाएगा। ये हमारा आरओ लग गया, इनपुट पानी आपका अंदर जा चुका है। सर यहाँ पे डाइवर्टर वॉल नहीं लगा, यहाँ पे सर डाइवर्टर वॉल लगाने के लिए फिर बाद में वो नहीं है, इस पे ऊपर जो स्टॉपर लगा है सर वो तो मैंने ठीक किया हुआ है ना कंपनी ने, वो डाइवर्टर वॉल्व लगाना है। जिसको स्टॉप कॉक बोलते हैं, स्टॉप कॉक। तो ये ऐसा कनेक्ट होगा इसका जाते हैं, तो उसका बेसिकली क्या रहता है पर्पस? स्टॉप, ये इनपुट पानी होता है, यहाँ से आपका इनपुट पानी है, मतलब पानी अंदर ले जाने के लिए इनपुट दिया जाता है, उसके बाद आगे बढ़। और ये वाला पाइप इसमें लग जाएगा ना जी, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जी। अच्छा, इनपुट ये हो गया आपका, ठीक है, आउटपुट ये है, ये आपका बूस्टर पंप का हो गया सर, इनपुट कनेक्टर, ये आउटपुट हो गया है, ठीक है, फ्लो सेंसर हो गया आपका, और ये आपका सेडिमेंट फिल्टर है, ये आपका आउटपुट हो गया सेडिमेंट का आउटपुट, ठीक है ये आपका पीआर भी ठीक है जी, ठीक है ये अडाप्टर। मुझे पहले सीरियल नंबर दिखा दो मशीन का। ठीक है सर, अभी आप इसका वो कनेक्ट कर दो कवर, और अभी दो टैंक कम से कम मेरे ये सर। ठीक है सर, ठीक है, तो एक बार ये लाइट अगर जल गई एप्पल से नहीं हो पाया, फिर उन्होंने एंड्रॉइड से किया, और इसका नियरली भी आ रहा है IoT डिवाइस में। Yes,
जो भी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है फिल्टर्स की वो सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। ओके ठीक है सर। और दूसरा ये कि सर इसके अंदर एक नीचे ट्रे दी होती है सर, ठीक है। और ट्रे पे सर हैवी वेट नहीं डालना होता ज्यादा, वो 1 kg तक आप उस पर रख सकते हो, बोतल होगा ग्लास होगा, बट हैवी वेट में वो ब्रोकन हो सकती है। दूसरा ये कि कभी भी आप बोतल में या ग्लास में तो पानी लेते हो तो कुछ बूंदे ना सर साइड में गिर जाती है, तो उसको आप साथ के साथ क्लीन कर दो। क्योंकि अगर ऐसे ही आप स्लाइड कर दोगे अंदर की साइड तो कई बार ना वो ड्रॉप होकर नीचे से टपकते हैं, फिर आपको लगता है कि इससे लीकेज हो रहा है। समझ गए समझ गए। मशीन से लीकेज होता है तो उस चीज का ध्यान रखना। तो उसमें तीन बटन है, बेसिकली तीन बटन है इसमें। एग्जैक्टली 1 लीटर पानी निकलता होगा बॉटल वाले ऑप्शन से। तीन बटन है ना इसमें, 750 ml, ठीक है। और ग्लास में कितना कितना ml आता है? ग्लास ग्लास वाला ऑप्शन नहीं नहीं जैसे ग्लास का जो ऑप्शन बना है उसमें कितना ml निकलता है ग्लास वाले ऑप्शन से? वो तो कम है सर, 150 का करीब है सर। 150 के 150 150 या 200 ml है वो ग्लास का, और 750 बॉटल्स का है, और 4 लीटर जो है वो आपका फ्री फ्लो का है। अच्छा 4 लीटर नॉन स्टॉप निकल के रुक जाएगा? हां हां जी जी सर जी सर। ओके। और ये कितना मतलब कितने लीटर्स कर देती है, मतलब जो मशीन अगर हम चलाते हैं जो यूज़ कर रहे हैं तो कितना, मतलब हीटर वीटर का तो कोई इशू नहीं आता ना इसमें ऐसा कुछ कि हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं? नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब हमेशा ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि फैमिली मेम्बर मान लो ज़्यादा है, फैमिली जो लोग कम है, जनरली अगर बहुत ज़्यादा होते हैं लोग समय करके सब आ जाए, कोई बात नहीं सर। ऑफिस में लगा होता है, ऑफिस में तो आप समझ सकते हो वहाँ तो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो देखिए इसको हम बटन दबा रहे हैं ग्लास वाला, देखते हैं ग्लास में कितना इम्पैक्ट आता है। देखिए लाइट के साथ आता है, IoT डिवाइस है, तो हमारे जितने भी डिवाइस होंगे IoT वाले सारे कनेक्ट हो जाएंगे इसमें, राइट है ना जी? IoT से ये पानी तो ये आपका ऑलमोस्ट आधे थोड़ा सा कम बड़े ग्लास को भर दिया है। फ्रेंड्स देखिए कैसे पानी हम निकालते हैं। तीन ऑप्शन है इसमें, वाटर का है जिसमें अराउंड 200 ml वाटर निकलता है, फिर आपका बॉटल का है जिसमें अराउंड 650 ml तक वाटर निकलता है, फिर ये फ्री फ्लो है इसमें 4 लीटर तक निकलता है। तो ये तीन ऑप्शन है, तो एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाटर मैंने प्रेस कर दिया, लाइट के साथ ऑटोमेटिक निकल रहा है और यहाँ पर रुक जाएगा देखने में ऑटोमेटिक डन। इसको पी के बताते हैं कैसा है भाई। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पास से भी देख लो आप, बहुत बढ़िया। अब आपको बॉटल का दिखाते हैं। अब देखिए ये ले आए हम और बॉटल, अब इसको रख के देखते हैं कितना निकलता है एक बार में। तो ये हमने प्रेस कर दिया, अब देखते हैं कितना टाइम में फिल करता है, कितनी क्वांटिटी में करता है, ये रहा इम्पोर्टेंट है। तो ये IoT डिवाइस हैं, ये सब बहुत एडवांस डिवाइसेस हैं, तो आजकल ये ट्रेंडिंग में है और काफ़ी ज़्यादा बाकी सब जो और भी कंपनीज के आते हैं उनसे काफ़ी बेटर है। देखिए तो ये अराउंड 1 लीटर की थी, तो देखो उससे पहले रुक गई, तो अराउंड 650 ml इसमें आ गया, तो बहुत बढ़िया। इससे क्या है पानी की वेस्टेज नहीं होती, उससे इम्पोर्टेंट चीज़। और जैसे कि हम लोग जो ट्रेडिशनल RO क्या होते हैं, हम लोग खड़ा होना पड़ता है, हम लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसमें क्या है कि आपने दबाया एग्जैक्टली उतने में रुक गया, एक बूंद भी वेस्ट नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, और आपका यहाँ से पानी निकलता रहेगा। और अब ये फ्री फ्लो वाला है ये, क्योंकि कोई बड़ा वेसल तो मेरे पास यहाँ पे अभी रखा नहीं है, वो भी आपको चलो दिखा देता हूँ एक बार।